नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज शाम के 6:49 के उपरांत ग्रहों का गंभीर खेल शुरू हो गया। जी हां दोस्तों, अब आपको अपने जीवनकाल में कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान अवश्य रखना होगा, क्योंकि दोस्तों आप सभी को बता दें कि ये बातें का ध्यान रखना आप सभी के जीवनकाल के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आप सभी को बता दें कि आप सभी के पीछे अब शत्रु का प्रभाव बढ़ने वाला है। जी हाँ दोस्तों, हम उन्हीं शत्रु के बारे में बात करने वाले हैं जो दोस्तों आपको कई वीडियो में हमने बताए भी हैं। जी हाँ दोस्तों, पिछले कई सालों से ये शत्रु आप सभी के पीछे पड़े थे, लेकिन दोस्तों अब जो ग्रहों की स्थिति दर्शा रही है, इसमें शत्रु आपके ऊपर बड़ा ही घात करने वाला है। एक प्रकार से कहें तो दोस्तों, कोई नज़रों से दूर जाने वाला होगा। समय इतना खास है, अगर दोस्तों समय रहते आप नहीं संभलेंगे तो शत्रु घात कर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि हम ऐसी बातें कह के आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहे, लेकिन दोस्तों ये बातें आपको बताना बेहद ही ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आप आज के इस वीडियो को अंत तक बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा, ध्यान से अंत तक देख लेंगे तो दोस्तों आपके जीवनकाल में आपका कोई भी इंसान, कोई भी हो, बाल भी बांका नहीं कर सकता। हम इस बात की गारंटी देते हैं। जी हाँ दोस्तों, बशर्ते आपको श्रद्धा दिखानी होगी, थोड़ा सा आपको विश्वास दिखाना होगा और अपने जीवनकाल के महत्वपूर्ण समय को निकालकर थोड़ा समय इस वीडियो को देना होगा, ताकि दोस्तों हम आपकी सारी बातें आपके सामने रख सकें और जो भी उपाय हैं दोस्तों सारी चीज़ें आपको बिल्कुल ही आसानी से समझा सके। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों इस बात को, इस ये जो शीर्षक है इनको हम आपको विस्तार से समझाते हैं कि दोस्तों तीन लोग ऐसे आपके जीवनकाल में हैं जो कि पिछले कई सालों से आपको बिल्कुल ही बर्बाद करने के उपाय कर रहे हैं, यानी कि दोस्तों तांत्रिक क्रियाएँ कर रहे हैं, आपको बिल्कुल ये जीने नहीं देना चाहते हैं। दोस्तों ये आपके पीछे ऐसे पड़ गए हैं। हालांकि दोस्तों हमने आपको पिछले भी वीडियो में आपको बताए थे शायद कि 5 ऐसे लोग हैं जो कि आपके पीछे पड़े हैं, लेकिन 3 उनमें से बहुत ही घातक शत्रु हैं जो कि शक्तिशाली बनते जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और इन्हीं 3 लोगों के बारे में हम आपको आज इतने विस्तार से बताने वाले हैं कि कौन से 3 लोग आखिर हैं। जी हाँ दोस्तों, आखिर ये आपको क्यों इतना एक शब्दों में कहें तो दोस्तों ये जो इंसान है आपको बर्बाद करने की पूरी तैयारी कर रहा है, तांत्रिक क्रिया हो या फिर कोई भी ऐसी क्रिया हो जिनसे आप बर्बाद हो जाएं, दोस्तों वे सारी क्रियाएं कर रहे हैं। तभी दोस्तों आप सभी के जीवनकाल में पिछले कई से धन की दिक्कतें आ रही है। जी दोस्तों, आप अच्छा धन अर्जित किए हैं और धन को अच्छी बचत भी कर पाए हैं, लेकिन दोस्तों कुछ सालों से ये 2 से 3 लोग आप सभी के जीवनकाल में इतने सारी दिक्कतें दे रहे हैं जिनका आपको सामना भी करना पड़ रहा है। आपके हर कार्यों में काफ़ी अड़चने आ रही है, काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही है, काफ़ी सारी मुश्किलों से आप सभी का जीवन गुजर रहा है। दोस्तों आपका धन धातु पूरी तरह बंदी हो गया है, जितना आप मेहनत करते हैं उतना फल अब आपको नहीं मिलता है। जी हाँ दोस्तों, क्यों दोस्तों ये जो लोग हैं आपके पीछे पूरी तरह से लग रहे हैं, ये अंदर ही अंदर तांत्रिक क्रियाएँ कर रहे हैं जिनके कारण दोस्तों आपको हर जगहों से नुकसान ही उठाना पड़ रहा है। आमदनी 98 और खर्चा 54 जैसे समय आपके जीवनकाल में आ गए हैं। जितना आप दोस्तों कमाते हैं उतना पैसा आप सभी के जीवनकाल में कभी भी रुक नहीं पाता है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के जीवनकाल में हर समय एक न एक ऐसी बाधाएँ आती रहती है जिनसे दोस्तों आप परेशान रहते हैं। आपका कमाया हुआ धन उसी में खर्च हो जाते हैं, जो भी आप मेहनत से धन अर्जित करते हैं दोस्तों उसी विघ्न बाधाएँ में खर्च हो जाते हैं। किसी न किसी समय आपको इन प्रकार की समस्याओं को झेलना ही पड़ता है। जी दोस्तों, आप चाहते हैं कि अब समय हमारा बेहतर हो गया है, अब हम एक नए कार्य की शुरुआत करेंगे। जब तक आप ये बात सोचते हैं तब तक दोस्तों आप सभी के जीवनकाल में कोई तीसरा कार्य हो जाता है, कोई तीसरा बाधाएँ आ जाती है जिनमें आप फिर से फंस जाते हैं और फिर से आप उभर नहीं पाते हैं, और फिर से आपके देखे गए सपने, आपके कार्य शुरुआत करने की बातें आपके ही अंदर रह जाती है। इन लोगों के जाल में आप धीरे धीरे फंसते जा रहे हैं, लेकिन दोस्तों अब बहुत हो गया दोस्तों, अब और नहीं, अब भी आपको अपने जीवनकाल में अपना कदम उठाना ही होगा। हालांकि दोस्तों आप
दिल के बहुत ही अच्छे इंसान हैं, सभी के साथ अच्छा करते हैं, लेकिन दोस्तों उसके साथ अच्छा मत कीजिए जो आपका बुरा चाह रहे हैं जी दोस्तों। क्योंकि दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि दुश्मन के आगे सर झुकाना ये कर्तव्य नहीं होता जी दोस्त। जो आपका शत्रु आपके सामने खड़ा है आपको उनको अपने रास्ते से हटाना ही होगा। और दोस्तों ये कोई गलत बात नहीं, ये भी आपका कर्तव्य है, ये भी आपका दायित्व है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको जो भी सावधानियाँ जो भी उपाय बताने वाले हैं दोस्तों उनको आपको बिल्कुल ही ध्यान में रखना होगा। दोस्तों ये सावधानी अगर आप बरत लेंगे तो दोस्तों आपको कोई भी नुकसान नहीं कर पाएगा। और जो भी ये शत्रु लगे हैं, जो भी ये शत्रु चाल चल रहे हैं आपको नीचे गिराने की, तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि ये अपने ही जाल में फंस जाएंगे। बस आपको ये उपाय करने हैं जो कि हम आपको आगे इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों पूरा वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है, आप इन्हें मिस करने की गलती मत कीजिएगा। दोस्तों एक भी शब्द अगर आप मिस कर देंगे तो दोस्तों हमें फिर मत कहिएगा कि हमको यह चीज़ का लाभ नहीं मिला या फिर हमें यह बात समझ में नहीं आई। कि दोस्तों वीडियो की जो निर्माण होती है बहुत ही जांच परख करने के बाद, बहुत ही छानबीन करने के बाद, दोस्तों आपकी कुंडली का, आपकी राशियों का विश्लेषण करने के बाद ही आपके जीवन काल के इस तथ्य पर पहुँचे हैं जब आपको ये उपाय करने हैं ताकि आपके जीवन काल के जो भी शत्रु हैं जो आपके पीछे लगे हैं उनसे आपको मुक्ति मिल जाए जी हाँ दोस्तों। और अगर आप इन्हें अंत तक देखेंगे तो दोस्तों हमारा ये मेहनत सफल हो जाएगा, हमारा ये कार्य सफल हो जाएगा, हमारे पुण्य की जो घड़ा है वो भरेगा, हमारे जीवन काल में एक अच्छे कर्म बनेंगे। तो दोस्तों ज़रूर ही आप हमारा सहयोग कीजिएगा और दोस्तों वीडियो के अंत तक बन रहिएगा। उससे पहले दोस्तों सर्वप्रथम वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से, सच्चे श्रद्धा भाव से जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा, जय माता दी जरूर लिखिएगा। दोस्तों माँ काली का शुभ आशीर्वाद आप सभी को आपके जीवन काल में प्राप्त होगा और समस्या आपसे दूर होंगी। और साथ दोस्तों आप सभी को बता दें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें जी हाँ दोस्तों। क्यों दोस्तों हम इस वीडियो में, हम अपने ही चैनल में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी जानकारियाँ आप सभी के लिए लेकर आती हैं जिनसे आप सभी के लाभ की स्थिति बढ़े, जिनसे आपको समस्याओं से मुक्ति मिले जी हाँ दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर ही आप लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा जी हाँ दोस्तों। अगर आपके कोई ऐसी खास व्यक्ति है जिनके जीवन काल में ऐसी परेशानी चल रही जिससे आपके पास है, तो दोस्तों उनके भी पास ये वीडियो को शेयर कीजिएगा। और दोस्तों सच्चे श्रद्धा भाव से आप वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय माँ काली ज़रूर ही लिखिएगा। तो आइए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं, बात करते हैं आपके जीवन काल के बारे में पूरे ही विस्तार से। दोस्तों आप सभी को बता दें कि हम जानते हैं यह बात कि आप अपने जीवन काल में अभी बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, आपको हर रोज़गार में, हर कारोबार में काफ़ी अड़चने, काफ़ी दिक्कतें की सामना आपको करना पड़ रहा है। दोस्तों आपको एक नए बाधाएं आती रहती है और दोस्तों आप जिससे भी कर्ज लिए हैं वो भी आपको परेशान कर रहा है, कर्ज आपको दोबारा मांगते रहा है, पेशे आपको आपसे वापस मांग रहा है। लेकिन दोस्तों समस्याएँ आपके जीवन काल में ऐसी खड़ी हो गई है कि दोस्तों आप उन्हें कर्ज भी नहीं दे पाते हैं जी दोस्तों। जिसने आपको कर्ज दिया है उन्हें आप वापस भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि दोस्तों आपके जीवन काल में समस्याएँ ऐसी खड़ी हो गई है जी हाँ दोस्तों। आप बहुत ज़्यादा इसमें कर्ज से परेशान हैं। दोस्तों आज हम आपको जो भी सावधानी बताने वाले हैं बस आपको उन्हें बरतना होगा। और दोस्तों जो भी हम आपको गलती बताने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों दुश्मन अगर आपके घर घुस रहे हैं तो दोस्तों उनमें आपकी ही गलती है, आप ही अपने घर का दरवाज़ा खुला रखे हैं तभी दुश्मन दरवाजे से आ रहे हैं जी हाँ दोस्तों। इसलिए अब आपको कौन सी गलती नहीं करनी है ताकि दुश्मन का बोलती बंद हो जाए, दुश्मन का कोई चाल न चले और दुश्मन जो भी कार्य करे उनमें वो ही बुरी तरीके से फंस जाए जी दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत ही सरल उपाय बताएंगे और अगर आप इन्हें करेंगे तो दोस्तों ये जो औरत है, ये जो नारी है या फिर यू कहें तो दोस्तों ये जो लोग हैं, ये जो तीन लोग हैं आपको जो परेशान कर रहे हैं, जो हमेशा आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं करते रहते हैं दोस्तों, ये अपने ही मायाजाल में फंस जाएंगे जी हाँ दोस्तों। ध्यान रखिएगा कि तीन व्यक्ति का शायद आप सभी के जीवन काल में इसी दिख रहा है जो कि आपके ऊपर बिल्कुल ही काल की तरह मंडराता है जी दोस्तों। तीन लोग हैं, औरत भी और दोस्तों इस एक प्रकार से कहें तो दोस्तों ये औरत और पुरुष दोनों भी हो सकते हैं,
ध्यान रखिएगा। लेकिन दोस्तों ये जो यहाँ पर हम आपके कुंडली में ऐसे देख रहे हैं कि आपको जो जीवन में खतरे हैं, जो आपके जान के खतरे हैं, वो तीन लोगों से खतरे हैं, और ये जो लोग हैं आपके अपने ही लोग हैं, ये भी दोस्तों हम यहाँ पर देख रहे हैं। दोस्तों अगर आप आज के इस वीडियो में बताई गई बातों को सुनेंगे तो दोस्तों आपकी हर एक नाकाम परिस्थिति भी सुधर जाएगी और आपको अपने जीवन काल में काफ़ी सफलता भी मिलेगा। जी दोस्तों अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो दोस्तों आपको हर क्षेत्रों में सफलता, नौकरी में वृद्धि और नौकरी लगने की संभावना फिर से बनेगी। दोस्तों पिछले कई में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेरोजगार हो गए हैं, पूरी तरह से उनका रोजगार चला गया है और कर्ज में भी वो लोग फंस गए हैं। तो दोस्तों अब आपकी ये सारी समस्याएं समाप्त होगी, उनमें दोस्तों आपको काफ़ी सफलता मिलेगी। दोस्तों आपकी जो भी बाधाएं हैं, जो भी अड़चने हुए सभी समाप्त होंगी, आपको जो भी समस्या है उन सभी से आपको यशमी निदान मिल जाएगा। और दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि जो लोग पिछले कई समय से अपने जीवनकाल में इन्हीं लोगों के तांत्रिक क्रियाओं की वजह से प्रेम संबंध में रहना चाहते थे, लेकिन दोस्तों उनकी वजह से झगड़े हो गए, उनकी वजह से आपके आपस में ऐसी लड़ाई होगी कि दोस्तों आप सिंगल ही हैं, तो दोस्तों आपको बता दें कि यश में आपको वो भी उपाय बताएंगे जिनसे आपके प्रेम फिर से आपको वापस मिलेगा और प्रेम में आपको फिर से सफलता की प्राप्ति होगी। दोस्तों आपका प्रेम भाव फिर से उसी प्रकार हो जाएगा जैसे कि दोस्तों आपके पहले थे। जी दोस्तों दोस्तों हम आप सबको बता दें कि यश में आपका घर परिवार सुख समृद्धि भरा रहेगा, सब कुछ अच्छा फिर से हो जाएगा। और दोस्तों बस आपको क्या करना है कि जो भी बात हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों ने आपको ध्यान में रखना होगा। जी दोस्तों बस आपको क्या करना है कि वीडियो को अंत तक ध्यान से देखना है। फिर से एक बार कहते हैं कि दोस्तों बहुत सारे ऐसे जातक होते हैं कि वो बात में कमेंट करते हैं कि हम यह चीज़ समझ नहीं पाए या फिर हमको लाभ नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों इसलिए हम आपको दोबारा भी कहते हैं कि वीडियो को आपको अंत तक देखना होगा। अगर आप अंत तक देखते हैं तो दोस्तों फिर आप हमें कमेंट कीजिएगा कि हमको लाभ नहीं मिला। दोस्तों ऐसा हो नहीं सकता कि अगर आप वीडियो को अंत तक देखेंगे और आपको लाभ नहीं मिलेगा। दोस्तों 100% हम आपके ओर दावा करते हैं कि दोस्तों आपकी सारी समस्याएं जड़ से ख़त्म हो जाएंगी और कौन से ये लोग हैं उनके बारे में भी आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इसलिए दोस्तों आप वीडियो को बिल्कुल ही स्किप ना करें और बीच बीच में आप वीडियो को पार करके वीडियो को आप आगे बढ़ा के बिल्कुल भी मत देखिएगा। इसे दोस्तों आपका मन की स्थिति भंग हो जाएगी और आप जो भी अपने मन में सवाल रखे हैं कि इस सवाल का हमको जवाब मिलेगा दोस्तों वो छूट जाएगा। इसलिए दोस्तों वीडियो को आप ध्यान में रखिएगा, आपको हर पार्ट में हर एक जगह आपको कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ ऐसे उपाय होगा जो कि दोस्तों जानना समझना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों दोस्तों आप शुभ बता दें कि आपके जीवनकाल में जितने भी समस्याएँ चल रही है दोस्तों ये सब समाप्त हो जाएंगे, बस आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बस दोस्तों आपको अभी शिव बनाकर रखना है। दोस्तों ये जो औरत है, ये जो लोग हैं जो आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया कर रहे हैं, आपके घर परिवार के ऊपर रोग बहुत ही विघ्न किस्म की क्रियाएं कर रही है जो कि दोस्तों आपको हर जगह से बिल्कुल ये तबाह कर देना चाहता है। कई जगह पर पूजा पाठ कर रही है ताकि दोस्तों आपके घर में जो भी लोग हैं वो दोस्तों रोग उनको हो जाए या फिर कोई ऐसी समस्याएँ, ऐसे लोग बीमार हो जाए जिनसे आपको परेशानी हो जाए। और दोस्तों ऐसे भी आपके घर में कई बार हुआ है जब आपके अपने सबसे खास व्यक्ति को बहुत ही बड़ी बीमारी लग गई थी। दोस्तों बहुत सारे पैसे भी आप उनके पीछे खर्च किए हैं और फिर भी आप अभी भी परेशानियों को झेल रहे हैं। जी दोस्तों आप शिव को बता दें कि दोस्तों ये कोई दूसरा व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति नहीं है, दोस्तों ये आपके घर के अपने ही व्यक्ति है। दोस्तों कौन सा व्यक्ति है इसकी आप पहचान कैसे कर सकते हैं? दोस्तों सर्वप्रथम हम आप शिव को बता दें कि जो लोग आपके साथ रहते हैं, जो लोग आपको अपना कहते हैं, जो लोग आपके साथ रहकर दोस्तों आपके सामने बहुत ही अच्छी बातें बोलते हैं, और दोस्तों अगर आप किसी और के सामने जाएंगे, किसी और के पास जाएंगे, तो दोस्तों वह व्यक्ति आपकी बुराई उसके सामने कर देगा। और अगर वह व्यक्ति आपको कभी कह दे कि दोस्तों यह व्यक्ति आपके बारे में ऐसा कह रहा था, तो दोस्तों बस आपको यही समझ जाना है कि यही व्यक्ति है जो कि दोस्तों आपके ऊपर इतनी बड़ी तांत्रिक क्रियाएं और इतनी बड़ी जो है वो खेल खेल रहे हैं, इतनी बड़ी माया जाल आपके लिए रच रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जिससे आपके जीवनकाल में इतनी सारी परेशानियां आ रही है, इतने बर्बाद करने की साजिशें जो लगा रही है दोस्तों यही लोग हैं। आपके बच्चे को ये बिगाड़ना चाहती है, आपकी पति पत्नी को बिगाड़ना चाहती है, आपके घर परिवार को ये तोड़ना चाहती है।
आपके खिलाफ आपके बच्चों और आपके पति पत्नी को भी ये बिगाड़ता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बर्बाद करने के लिए ये सबसे पहले आपके रिश्ते को ख़राब करना चाहता है। दोस्तों इस बात को हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि ताकि जब भी आपको अपने परिवार में, अपने फैमिली में, अपने बच्चों के साथ कोई भी मनमुटाव हो जाए तो दोस्तों भूल कर भी उनसे आपको दोस्तों रूठना नहीं है। क्यों दोस्तों, जब आप उनसे रूठ जाएंगे तो दोस्तों यह व्यक्ति फिर उनका फ़ायदा उठा लेगा और दोस्तों आपके खिलाफ फिर से उन्हें भड़का देगा, ताकि दोस्तों आप अपने घर परिवार में फिर से लड़ें और आप अपनी फैमिली को ही चोट पहुंचाएं और आपका फैमिली चोट पहुंचकर आपको ही खर्चे में भर दे और दोस्तों आपका ही नुकसान हो जाए। दोस्तों ये ऐसा षड्यंत्र रचते हैं, दोस्तों इनसे आपको इनसे बचना ही होगा। इसलिए दोस्तों आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि कभी भी अपने परिवार में कहा शुरू हो जाए तो दोस्तों सभी बातों को बैठ कर दोस्तों सुलझा लेना है। जी हाँ दोस्तों, बातों को देर नहीं करना है, हर बातों को सुलझा कर ही आपको कोई भी कार्य करना है। दोस्तों एक प्रकार से कहें तो यह व्यक्ति आपके जीवनकाल में पिछले कई सालों से आपको परेशान कर रहा है, आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं कर रहे हैं, आपको परेशान करने के लिए बहुत सारे इसने दोस्तों ईश्वर को भी कुछ गछा है, जिनसे दोस्तों आपको क्षति हो रही है। दोस्तों इसने मशान घाट में भी जाकर आपके लिए अर्जी लगाई है। दोस्तों ये भूत पिशाचों की सहायता लेकर आपको दोस्तों ये पूरी तरह से तोड़ना चाह रही है। इसलिए दोस्तों आपको अब संभलने का वक्त आ गया है कि दोस्तों इसका जो मायाजाल है ये बहुत ही शक्तिशाली होते जा रहा है और दोस्तों आपके चारों ओर ये धीरे धीरे फैलते ही जा रहा है। और दोस्तों आप इनके सामने मीठे मीठे बातचीत करते हैं, लेकिन दोस्तों ये पीठ पीछे आपके ऊपर इतने बुरे मायाजाल छोड़ते जा रहा है जिससे दोस्तों आप धीरे ही धीरे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। यानी कि दोस्तों आपके सामने ये अच्छे बोलते हैं लेकिन अंदर ही अंदर ये आपके कांटे खोलते हैं। दोस्तों आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि दोस्तों यह इंसान आपके प्रति ऐसा घाव बनाकर बैठा है। दोस्तों आप इनके लिए बहुत ही कुछ अच्छा किए हैं, इनके लिए दोस्तों आपने दिन रात नहीं देखे हैं। दोस्तों ये वही व्यक्ति है जी दोस्तों, और अभी का समय ऐसा हो गया है कि जब यही आपके जीवनकाल का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। दोस्तों ऐसी औरत की हम आपको बात नहीं बता रहे हैं जो कि दोस्तों आपके जीवनकाल में नहीं है, जिनको आप नहीं देखे हैं। दोस्तों आपके ही जीवनकाल में है, आपके अपने दोस्तों आपके ही पड़ोसी के ऐसे लोग हैं जो कि दोस्तों आपको तबाह करने की पूरी तैयारी कर चुका है। जी दोस्तों, अब अगर आप समय दे देंगे तो दोस्तों ये फिर से आपके जीवनकाल में ऐसी घटना कर देगा जिससे दोस्तों बाद में रोना रोना चालू रहेगा। इसलिए दोस्तों हम आपसे बता दें कि दोस्तों ये जो औरत है इनसे आपको संभलना होगा। ये पिछले कई समय से तांत्रिक क्रियाएं कर रही थी लेकिन दोस्तों यश में आप शिविर के पीछे, आपके घर परिवार के पीछे इन्होंने कोई साया भी छोड़ा है, जिनके कारण दोस्तों अब आपको बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आ रही है। जिस प्रकार दोस्तों आपके घर में चिड़चिड़ापन का माहौल बन गया है, आपके अपने ही लोग अब घर में अपने आप में ही नुकसान कर रहे हैं, आपको पसंद नहीं कर रहे हैं। दोस्तों ऐसी स्थिति आपके जीवनकाल में आपके परिवार के खिलाफ यह इंसान कर दिया है। जी दोस्तों, आप सभी को बता दें कि दोस्तों इस औरत का हम आपको नाम भी बता सकते हैं, लेकिन दोस्तों हम अगर नाम बता देंगे तो दोस्तों ये हमारे लिए और आने वाले भविष्य के लिए सभी के लिए दोस्तों बहुत ही बड़ा नुकसानदायक हो जाएगा। एक प्रकार से कहें तो दोस्तों ये चीज़ गैरकानूनी चीज़ हो जाएगी। जी दोस्तों, इसीलिए हम आपको बातों को घुमा घुमा कर बता रहे हैं कि ये औरत कौन है। दोस्तों अगर आप इन्हें समझ गए हैं तो दोस्तों आप कमेंट में हमें बताइएगा कि जी गुरुजी हम समझ गए आपकी सारी बातें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप समझ गए हैं तो अभी ही कमेंट कीजिएगा। दोस्तों एक बार और ही हम आपको बता दें कि ये जो औरत है, ये जो लोग हैं दोस्तों, ये आपके घर के आसपास ही हैं। दोस्तों ये जो औरत है आपके घर दाहिने के हो सकते हैं या फिर बाएँ के हो सकते हैं। दोस्तों इस बात का आप ध्यान रखिएगा, हम ये दो चीज़ ही आपको बता सकते हैं, इससे आगे हम आपको बिल्कुल भी नहीं बता सकते। लेकिन दोस्तों आपको एक और बात बता दें कि जब भी आप अपने कार्य के लिए जाते हैं, जब भी आप कोई बड़ी कार्य करते हैं तो दोस्तों ये जो औरत है, ये जो लोग हैं आपको ज़रूर ही पूछते हैं कि कहाँ गए थे, कौन से कार्य करने गए थे, क्या आप कार्य करने वाले। दोस्तों इन सभी चीज़ों का ये आपसे सवाल करते रहते हैं। दोस्तों अगर आप अभी भी समझ गए हैं तो ये कौन है तो दोस्तों आप कमेंट कर दीजिए। बस हम आपको अब सावधानियाँ बताते हैं, अब हम आपको उपाय बताते हैं। और दोस्तों अगर आप नहीं भी समझे हैं तो दोस्तों हम आपको पूरी तरह से बता सकते हैं, लेकिन दोस्तों परेशानियाँ आपके जीवनकाल में खड़ी ना हो जाए
लड़ाई झगड़े सामने ना हो जाए। इसी के वास्ते दोस्तों हम आपकी भलाई और अपनी भलाई और आने वाले समय में लोगों की भलाई के लिए ही ये जो बात को घुमाकर आप सभी को बता रहे हैं। इसलिए दोस्तों आपको अब क्या करना है, किन से बचने के लिए अब आपको क्या करना है, कौन से अब आपको अपने जीवन काल में उपायों को करना है। सबसे पहला उपाय दोस्तों जो कि तंत्र और मंत्र का काम नहीं है, वो दोस्तों यह है कि जब भी आपके जीवन काल में आपस में लड़ाई हो रहा हो तो दोस्तों कभी भी आपको घर में नहीं लड़ना है। ये दोस्तों अगर आपके कोई घर का ही सदस्य लड़ रहा है तो दोस्तों आपको शांत रहना है और आपको समझना है कि इस व्यक्ति के ऊपर किसी और का ही साया है जो कि आपके खिलाफ भड़का रहा है, आपको अपने घर में ही मार करवा रहा है। इसलिए दोस्तों कोशिश करें कि आप अंदर ही अंदर शांत हो जाएं और दोस्तों बातों को शांत कर दें। दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही बड़ी होगी अगर आप भी हमें लाएंगे तो दोस्तों आपको बता दें कि नुकसान बहुत ही बड़ा हो जाएगा और दोस्तों आप माथा पटकते रह जाएंगे, फिर भी ये होने कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए दोस्तों जितना हो सके हम जो भी बात आपको बता रहे हैं उन्हें आप ध्यान में रखिएगा कि दोस्तों इसका जो माया जाल है वो पूरी तरह से आपके घर में पड़ चुका है, बिल्कुल ही पूरी तरह से ये आपको जकड़ चुकी है, आपके परिवार को भी ये जकड़ चुकी है। इसलिए दोस्तों आप इस बात का अब अच्छी तरीके से ध्यान रखें। जी दोस्तों हम आप सबको बता दें कि अब आपको कौन से उपाय को करना चाहिए। दोस्तों यशमी आपको अपने गांव में, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो दोस्तों आपको यशमी कार्य करना है कि गांव में, अगर आप गांव में नहीं भी रहते हैं तो दोस्तों गांव जाकर दोस्तों आपको दांतुन का प्रयोग करना है। जी दोस्तों ब्रश करते हैं तो अच्छी बात है। दोस्तों आप शिव को बता दें कि यशमी अब आपको अपने जुनकाल में दांतुन का प्रयोग करना है और दोस्तों वह दांतुन होना चाहिए नीम के पेड़ का। दोस्तों इस बात का आपको खास ध्यान रखना है, इसलिए दोस्तों हमने आपको दांतुन का प्रयोग करने के लिए कहा है। दोस्तों जितना दिन आपके घर में झमेले हो रहे हैं उतना दिन के लिए आप नीम के दांतुन का व्यवस्था कर ले। ये दोस्तों आप शिव को बता दें कि इसके पीछे का रहस्य आखिर क्या है। दोस्तों नीम के पेड़ में माता काली का वास होता है, माता दुर्गा का वास होता है और दोस्तों अगर आप डेली अपने जुनकाल में सुबह उठकर सबसे पहला मुंह में अन्न के तौर पर कुछ डालेंगे तो दोस्तों वह होगा आपके दांतुन। और दोस्तों दांतुन के साथ आपके अंदर जाने वाले थोड़ा सा भी आपके जो भी रस है दोस्तों उनमें माता दुर्गा का वास होगा, उनमें दोस्तों माता दुर्गा का दोस्तों शक्ति होगी, जिनसे दोस्तों आप शिव के जुनकाल में अगर वह इंसान आपके ऊपर जो भी बुरा शक्ति छोड़ी है, जो भी बुरे तांत्रिक क्रियाएं किए हैं दोस्तों उनका प्रभाव धीरे धीरे आपके शरीर से उतर जाएगा। दोस्तों इस बात का खास ध्यान रखें। दोस्तों ये जो बात है दोस्तों कोई भी इंसान नहीं बताता है, लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आपके जुनकाल की सारे तथ्यों का आकलन करने के बाद आपको कौन से उपाय करने चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये जो बुरी शक्ति है, ये जो औरत है आपको पूरी तरह से फंसा चुकी है अपने माया जाल में और पूरी तरीके से आपके घर परिवार को जकड़ चुकी है। इसलिए दोस्तों सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण यह उपाय रहेगा कि आज से ही आप अपने जुनकाल में दांतुन का प्रयोग करें और वह दांतुन नीम के पेड़ का होना चाहिए। इससे दोस्तों जितने भी बुरी शक्तियां आप शिव के जुनकाल में आपके घर परिवार में घूम रही है, आपके शरीर में, आपके मस्तिष्क में घूम रही है, दोस्तों उन सभी से आपको धीरे 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 मुक्ति मिलता जाएगा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों हम आप शिव को बता दें कि आप शिव के जीवन काल में दिक्कतें आ रही है, ऐसी औरत या फिर समाज में कोई ऐसा व्यक्ति अपने ही घर में आपसे कुछ मांगने आए। जी दोस्तों इस बात का एक और ध्यान रखिएगा कि दोस्तों जब भी कोई बुरी शक्ति आपके ऊपर कोई छाया छोड़ी है तो दोस्तों किसी न किसी रूप में वो आपके घर आएंगे, लेकिन दोस्तों आप कहेंगे कि हम उन्हें आप कैसे पहचानेंगे तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि वो जो बुरी शक्ति है वो दोस्तों कभी भी सूर्यास्त से पहले नहीं आएंगे, उनका प्रभाव हमेशा सूर्यास्त के बाद ही होता है। तो दोस्तों वो हमेशा आपके घर में कुछ मांगने के लिए भी आए तो दोस्तों सूर्यास्त के बाद ही आएगी। जी दोस्तों सूर्यास्त के बाद अगर आपसे कुछ मांगने को आ जाए तो दोस्तों भूल कर भी आपको किसी चीज़ का दान उन्हें नहीं करना है, चाहे दोस्तों कितनी भी महत्वपूर्ण वस्तु मांगे या फिर कितनी भी छोटी सी वस्तु मांगे। जी दोस्तों वो कहे कि हम तुरंत ही लौटा देंगे तो दोस्तों फिर भी आपको उन्हें नहीं देना है, उनको साफ इनकार कर देना है। दोस्तों मुंह पर मत कहिएगा लेकिन कोई बहाना करके आप उन्हें टाल दीजिएगा, बस हम आपको इसी बात को कहते हैं। दोस्तों अगर आप कहते हैं कि वह चीज़ ज़रूरी है तो दोस्तों आप उन्हें कह दीजिए कि आप सुबह आकर ले जा सकते हैं, सूर्यास्त के बाद आपको बस इस चीज़ का ध्यान देना है
कि किसी चीज़ को आपको नहीं देना है। साथ ही साथ दोस्तों आपको तो रुपया भूल कर भी नहीं देना है, इससे दोस्तों आपके घर में बुरी शक्ति तो छोड़ेगी, साथ ही साथ धन को भी आपके घर से ले जाएगी। जी दोस्तों, वो जो तांत्रिक क्रियाएँ कर रही है हमेशा आपके घर में दरिद्रता छोड़ रही है और धन को आपको घर से उभगा रही है दोस्तों, इसी कार्य को करती है। तो दोस्तों आपको बस इस बातों का ध्यान रखना है, इससे दोस्तों आपके घर में बहुत सारी दिक्कतें आ जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, आप शिव को बता दें कि दोस्तों अगर आप अपने जीवनकाल में ये सब कार्य को एक भी बार किए हैं तो दोस्तों आपको क्या करना है, अब माता लक्ष्मी के लिए आपको शुक्रवार के दिन नहा धोकर गंगा जल छिड़क कर दोस्तों सर्वप्रथम आपको माता लक्ष्मी के शुभ मंत्र ओम भूर भुवः स्वः दोस्तों इस मंत्र का 108 बार पाठ करना है। साथ ही साथ माता लक्ष्मी को विधि विधान के साथ आपको पूजा करना है और दोस्तों प्रसाद आपको घर के सभी सदस्यों को देना है। साथ ही साथ दोस्तों उस दिन यह क्रियाएं कर रहे हैं तो दोस्तों आपको अपने छत पर पक्षियों के लिए भी उस प्रसाद के टुकड़े को रख देना चाहिए, घर से बाहर में भी आपको थोड़े से प्रसाद के कुछ दाने छिड़क देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इस उपाय को कीजिएगा, आपके जीवनकाल में फिर से माता लक्ष्मी का वास होना शुरू हो जाएगा और जो भी आपके घर में धन के लेकर समस्याएं शुरू हो गई थी दोस्तों वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी और आपके घर में पेशे टिकना शुरू हो जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको पहला जो उपाय बताए हैं दातुन का प्रयोग करना है, उसको दोस्तों आपको जारी ही रखना है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों हम आप शुभ बता दें कि सूर्यास्त के बाद आपको और भी क्या चीज़ नहीं देना है। सूर्यास्त के बाद आपको किसी को नमक नहीं देना है, सरसों के तेल नहीं देना है, दूध भी आपको किसी को सूर्यास्त के बाद उधार नहीं देना है। दोस्तों अगर आप व्यापार करते हैं तो दोस्तों इस बात का आप ध्यान रखें। दोस्तों सूर्यास्त के बाद आपको इन सब चीज़ों का खास महत्वपूर्ण ध्यान रखना है कि दोस्तों किसी से आप कोई चीज़ मांग भी रहे हैं तो दोस्तों सूर्यास्त के बाद बिल्कुल भी मत मांगिएगा, इनसे भी दोस्तों आपको ईश्वर का बुरा प्रभाव पड़ जाएगा या फिर आपको कहें कि दोस्तों आपको एक किस्मत जो है वो दुर्भाग्य में बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसलिए दोस्तों सूर्यास्त के बाद आप किसी से कुछ मांगें भी नहीं, क्योंकि ईश्वर जो भी आपको देता है वो दोस्तों हमेशा आपकी किस्मत में है। दोस्तों सूर्यास्त के बाद आप किसी से मांगते हैं तो दोस्तों आप उनकी किस्मत को मांग रहे हैं और दोस्तों ये चीज़ आपकी कर्मों में नहीं या आपकी श्रद्धा में नहीं, इसलिए दोस्तों इससे भी आपको नुकसान हो जाता है, इसलिए दोस्तों इस बात का भी आपको ध्यान रखें। साथ ही साथ दोस्तों ये जो औरत है, ये जो नारी है जो कि आपके ऊपर आपके घर परिवार पर तांत्रिक क्रियाएँ कर रही है, उसके लिए आपको उससे मुक्ति पाने के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय बताने वाले हैं। दोस्तों इन्हें आप ध्यान रखिएगा और अगर आप इन्हें ध्यान में रखेंगे तो दोस्तों ये सारी तांत्रिक क्रियाएं समाप्त हो जाएंगी और आप सभी का जीवन बिल्कुल ही जो भी परेशानी है सारी समाप्त हो जाएंगी और ये औरत ये भी इंसान जो भी है दोस्तों ये आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। जी दोस्तों, यश में आपको बाहरी लोगों के बात में बिल्कुल भी नहीं आना है, यह सावधानी आपको सबसे पहले बरतना है। घर की औरतें घर की लक्ष्मी होती है, इसलिए दोस्तों अपने घर की बातों पर आप चलें, घर में कभी भी आप गृह क्लेश ना करें, बस दोस्तों इस चीज़ का आप ध्यान रखें। साथ ही साथ घर की औरतों का आपको अपमान नहीं करना है, आपको हमेशा घर की औरतों का सम्मान करना है, अपने माता पिता का सम्मान करना है, बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान करना है, जितना कुछ आपसे हो सकता है दोस्तों आप उतना किसी असहाय को दान पुण्य करना है। ये दोस्तों इनसे आपकी कर्मों की जो वाणी है दोस्तों वो हमेशा तीव्र गति से ईश्वर के पास जाएगा और आपको कर्मों का फल हमेशा मिलेगा। जो शत्रु आपको परेशान करते हैं उनसे भी आपको छुटकारा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इसलिए दोस्तों आप इस बात का ध्यान रखें। साथ ही साथ दोस्तों हम आप शिव को बता दें कि जब भी शत्रु आपके जीवनकाल में बाधा खड़े करते हैं तो दोस्तों वो तो आपके जीवनकाल से दूर हो जाएंगे, जो भी आपके ऊपर शक्ति छोड़ी है वो तो आपके जीवनकाल से दूर हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों आप शिव को अब क्या करना है, कौन से उपाय करना है ताकि दोस्तों ये जो शत्रु है ये जो बुरी तरह से आपको अपने माया जाल में फंसा चुके हैं उनसे आपको मुक्ति मिल जाए। तो दोस्तों आप शिव को बता दें कि आप अपने जीवनकाल में अब इस औरत से छुटकारा पाने के लिए, ये जो औरत है दोस्तों हमेशा जो तांत्रिक क्रियाएं करती है, जो बुरी शक्ति है दोस्तों इनका प्रवाह हमेशा रात में होती है और दोस्तों इनका सामना हमेशा दिन कर सकता है, यानी कि दोस्तों हमेशा बुरी शक्ति का सामना दिन कर सकता है। दिन में दोस्तों भगवान सूर्यदेव को आपको मनाना है। जी दोस्तों, अपने जीवनकाल में आपको रोशनी लानी है और दोस्तों रात में भी ये बुरी शक्ति आपके जीवनकाल में पूरी तरह से हट जाए, इसलिए दोस्तों आपको हर एक दिन नहाने के बाद सूर्यदेव को जल को अर्पित करना है। जी दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखें, ये दोस्तों बहुत ही बड़ी बात है। अगर आप अपने घर में
अपने जीवन काल में अपने घर परिवार में इस बुरी शक्ति से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो दोस्तों अभी से ही अपने आपको अपने जीवन काल में इस उपाय को करना है। प्रतिदिन आपको नहाने के बाद सूर्यदेव को जल अर्पित करना है। दोस्तों अगर आपके पास गंगा जल हो तो दोस्तों उन्हें भी आपको छिड़क लेना है। जी दोस्तों इस बात का ध्यान रखें। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि जब भी आप घर में रात में सोते हैं तो दोस्तों सर्वप्रथम दोस्तों आपको ईश्वर का स्मरण करना है। जो भी दोस्तों आपने अपने जीवन काल में दिन भर में जो कार्य किए हैं ईश्वर का स्मरण करते समय ईश्वर को हर कार्य को बताना है और दोस्तों तभी आपको सोना है। इसी दोस्तों आप शिव को बता दें कि जो भी आपके जीवन काल में कार्य हुए हैं उनमें दोस्तों कल से आपको अवश्य रोजगार में सफलता मिलेगी। जो भी आप कार्य किए हैं कल दोबारा से उन्हें आपको दुगनी तरक्की मिलेगी। और दोस्तों आप शिव को बता दें कि जो भी आपके जीवन काल में पिछले कई समय से इस औरत की वजह से प्रेम संबंध में दिक्कतें आ गई थी, लंबे समय से दोस्तों इस औरत के ही चलते आपको समस्याएं झेलनी पड़ रही थी, आपका प्रेम का रिश्ता जो है वो टूट गया था, प्रेम आपका छोड़कर चला गया था, दोस्तों आप बातचीत नहीं कर पा रहे थे, तो दोस्तों आप शिव को बता दें कि अब आपका संबंध फिर से बनने वाला है। उसके लिए आपको आज से ही भगवान श्री कृष्ण का मंदिर में जाकर पूजा करना चाहिए और आपका जो भी प्रेम संबंध टूट गया है दोस्तों वो आपके जो भी मतभेद से टूटे हैं दोस्तों वे सारे मतभेद समाप्त होके आपको आपका प्रेम वापस मिल जाएगा। बस आपको भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर शुक्रवार के दिन आपको अकेश बार परिक्रमा करना है। जी हाँ दोस्तों फिर आपको वापस आना है और जो भी आपका रिश्ता है वो सुधर जाएगा। देखते ही देखते आप शिवी का घर परिवार जो भी प्रेम को लेकर माहौल खराब थी दोस्तों वे सारे समाप्त हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों और साथ दोस्तों हम आप शिव को बता दें कि अब आपको अपने जीवन काल में जो इस औरत की तांत्रिक क्रिया आपके घर में बंधन बनाकर छोड़ी है दोस्तों इनसे मुक्ति पाने के लिए आपको शनिवार के दिन काले कुत्ते को दोस्तों हमेशा आपको रोटी खिलाना है। हर एक शनिवार के दिन आपको रोटी खिलाना है। जी दोस्तों इस बात का ध्यान रखें। इनसे दोस्तों भगवान शनिदेव आपके जीवन काल में अग्रसर होंगे और जो भी आपके जीवन काल में आपके कर्म हैं उनका फल आपको देंगे। और दोस्तों जो भी लोग आपको परेशान कर रहे हैं, जो भी बुरी शक्ति परेशान कर रहे हैं उनको भी उनका कर्म का फल देंगे और जो बुरी शक्तियाँ हैं वो आपके जीवन काल से हट जाएंगी धीरे धीरे और दोस्तों वो समाप्त हो जाएंगी। साथ ही साथ दोस्तों आपको अपने जीवन काल में गौ माता को हरा चारा खिलाना है। जी दोस्तों पिछले कई समय से जो आप इसकी वजह से कर्ज से परेशान हो गए थे दोस्तों ये सारी कर्ज से आपको मुक्ति मिल जाएंगी और जो भी पेशों की बधाएँ आपके जीवन काल में आती रहती है, जो भी पेशा आपको बधाई में खर्च हो जाते हैं, जो भी आपके कार्यों में अड़चने आती है, पेशा इधर से आते हैं उधर चले जाते हैं और जो पेशा टिक नहीं पाते हैं इनसे दोस्तों आपका पेशा टिकना शुरू हो जाएगा और काफ़ी लाभ अब आपको देखने को मिलेगा। जी दोस्तों इस बातों का आप ध्यान रखें। साथ ही साथ दोस्तों आप शिव को बता दें कि कभी भी आपको पालतू जानवरों का जो है दोस्तों चोट नहीं पहुँचाना है और कभी भी उन्हें दोस्तों आपको नहीं मारना है नहीं पीटना है। जी दोस्तों इस बात का ध्यान रखें। साथ ही साथ दोस्तों हम आप शिव को बता दें कि अब आपके जीवन काल में आपको उस औरत से पीछा छोड़ने से कोई भी इंसान रोक नहीं सकता जो हम उपाय आपको बताने वाले हैं। जी दोस्तों जो भी आपको हम मंत्र बताने वाले हैं दोस्तों उन्हें आप बिल्कुल ही ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों आप शिव को बता दें कि 16 दाने लाल सरसों के लेना आपको है और 3, 5 या फिर 7 दलिया नमक आपको लेना है। दोस्तों आप शिव को बता दें कि अब आपको जिस दिशा में आप पूजा करते हैं उसी दिशा में मुँह कर लेना है और सरसों और नमक को मुट्ठी में बंद करके 7 बार मंत्र पढ़ना है। जी दोस्तों जो मंत्र हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों उन्हें आप ध्यान सुनिएगा। ओम नमो आदेश गुरु का 1 सरसों 16 राई मोरो पटवल पुरु जाए जे करे ते मरे उलट विद्या उन्हें के पढ़े शब्द साँचा पिंड काचा पुरु मंत्र ईश्वरी वाचा दुहाई। दोस्तों इस मंत्र को पढ़ने के बाद जब जब आप इस मंत्र को पढ़िएगा तब तब दोस्तों आपको मुट्ठी पर फूंक मारना है। जो भी आप मुट्ठी में नमक रखें दोस्तों उन पर फूंक मारना है और 7 बार इस मंत्र को पढ़ना है और 7 बार आपको फूंक मारना है। इसे अपने सीने के सामने से सर से नीचे तक आपको 7 बार घुमा लेना है और घर के आगे पीछे दोस्तों आपको घुमा लेना है। और दोस्तों आपको क्या करना है कि घर के आगे आपको इन्हें जला देना है और दोस्तों जले हुए आग में जलते हुए आग में इस नमक को आप डाल दें और दोस्तों इसका जो धुआं है इसे आपको अपने घर के अंदर ले आना चाहिए। ये दोस्तों ध्यान रखें कि ऐसा करते समय कोई भी व्यक्ति कोई भी इंसान आपको टोके ना। जी दोस्तों अगर कोई इंसान आपको रोक टोक देता है तो दोस्तों वह कार्य आपका सफल हो जाएगा, फिर से आपको ये उपाय को करना होगा।
जी दोस्तों, अगर कोई इंसान ना रोके टोके तो दोस्तों ये जो क्रिया है यह असफल हो जाएगा। और दोस्तों उनसे वो जो बुरी शक्ति है उससे आपको मुक्ति मिलकर ही रहेगी। और दोस्तों वो जो परेशानियां आप शिव के जुनकाल में चल रही थी दोस्तों वे सारे समाप्त हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें एक और बहुत ही खास चीज़। जी दोस्तों, आप शिव को बता दें कि एक माला आपको मंत्र जप करना है। ऐसा करने से दोस्तों जो भी आपकी ऊपर किसी ने तांत्रिक विदा किया है दोस्तों वो भी आपके समाप्त हो जाएंगे। और जो आप उनकी कोशिशें थी दोस्तों वो सारे पराजित होंगे, वो अपने ही जाल में खुद फंस जाएंगे। जी दोस्तों, इसलिए दोस्तों आपको इस मंत्र का जाप करना है। ये जो मंत्र है, ये मंत्र है ओम भैरवाय नमः। दोस्तों इस मंत्र का जाप आपको एक माला जाप करना है, यानी कि दोस्तों 108 बार आपको इस मंत्र का जाप करना है। दोस्तों इस मंत्र का जाप आप ध्यान रखिएगा कि शनिवार या फिर गुरुवार को दोपहर 1 बजे से घर में शुरू करना है। ये दोस्तों भैरव मंदिर में भी जाकर आप इस मंत्र की जाप कर सकते हैं। अकेश दिन तक आपको एक माला प्रतिदिन जाप करना है। दोस्तों प्रति जब भी आप मंदिर जाएं तो दोस्तों प्रतिदिन आपको एक माला जाप करना है। और घर में रहें तो दोस्तों शनिवार या फिर गुरुवार के दिन आप इस मंत्र का जाप करें। दोस्तों इससे आपके जुनकाल में जो भी तांत्रिक क्रियाएँ की शक्ति है दोस्तों वो सभी बंधन समाप्त हो जाएंगी। और जो भी उनसे आपको नुकसान हो रही थी दोस्तों वे सारी समाप्त हो जाएंगी। जी दोस्तों, इसलिए इन्हें आपको करना है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का ये जो वीडियो है, ये जो बातें हैं आपको बिल्कुल ही समझ में आ गई है। और शायद दोस्तों और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप शिव के पास आती रही, इनके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। आप शिव का दिन शुभ हो, मंगलमय हो।